मंगल आपकी राशि से बकरी चल रहा है, पंचम स्थान संतान का है, संतान को कष्ट हो सकता है, बकरी मंगल कष्ट देगा। विवाद आपके जो है तो प्रेम संबंध चल रहे हैं वो टूटने के कगार पर हैं, और संतान जीवन के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और जिनकी अगर एग्जाम है तो उसमें सफलता के कम लक्षण दिख रहे हैं, मंगल आपके लिए ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरे शनि हैं, तृतीय शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन बकरी होने के कारण आपका अच्छा फल बुरे रूप में परिणित हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों को सावधानी से ही काम अभी एक महीना भर करना है, उसके बाद अच्छे से अच्छा समय आ रहा है। आपका साढ़े साथी मजबूर निकल चुका है, लेकिन अभी साढ़े साथी का अंकुरण चल रहा है, क्योंकि अभी बकरी शनि है, इसलिए आपका लोहा मशीन से संबंधित कार्य आगे भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। लोहा मशीन से ही आपको लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा अभी एक महीना और रुक जाए तभी आपको इस समय अच्छा अनुकूल होगा। खास करके राहु देव आपके वृश्चिक राशि वालों से लिए कैसे रहेंगे, वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ ब्लैक और मिथुन आठवें स्थान पर राहु जाएंगे। आठवें स्थान पर राहु होने से आपके अचानक चोट चपेट लगने का योग है, गुप्तांग में चोट लग सकते हैं, फोड़ा फुंसी होती है, किडनी में परेशानी हो सकती है, गुप्तांग में कष्ट हो सकता है, अचानक घबराहट हो सकती है, आप कहीं टकरा सकते हैं, और आपको अनेक प्रकार के कष्ट शारीरिक हो सकते हैं। अचानक होने वाले कष्टों से सावधान रहना है, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपको समाधान मिलता रहेगा। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का कार्य बताया, मंगल का कार्य बताया, और गुरु का कार्य क्या है कि द्वितीय स्थान पर गुरुदेव हैं। द्वितीय स्थान पर गुरुदेव होने के कारण आपके जो है तो सत्तूर और जितने भी आपके रोग हैं वो सब विनाश अपने आप हो रहे हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म क्षेत्र आपका स्थायी बनने वाला है, जो छूट गया था वो कर्म क्षेत्र आपके लिए प्रगति कारक बन सकता है, जो कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके लिए अच्छा फल देने वाला समय चल रहा है। राहु देव हो गया, गुरुदेव हो गया, सूर्यदेव अब कहाँ हैं? आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सूर्यदेव हैं वो दसम स्थान पर है, दसवें कर्म ईप्सितम कर्म स्थान में आपके सूर्य बहुत अच्छा काम कराने वाले हैं, और कोर्ट मुकदमा में विजय दिलाने वाले हैं, सरकारी तंत्र में लाभ पहुंचाने वाले हैं, और भूमि भवन से संबंधित कार्य भी आपका अच्छा कराने वाले हैं। इस प्रकार से ये गुरुदेव कर रहे हैं, और राहु देव आपका मैंने बताया कि वो आपकी राशि से नौवें भाग में चल रहे हैं, इसलिए अचानक जो है सो अष्टम राहु चोट पहुंचाने वाले बनेंगे। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला ये सप्ताह रहेगा। मंगल कामना करता हूँ कि आपका सप्ताह भरा पूरा अच्छा मंगलमय बीते, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ।